नमस्कार दोस्तों, भूवी ऑर्गेनिक्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमारे स्टोर पर आकर आज मैक्सिमम लोग हमसे एक चीज़ पूछ रहे हैं कि बॉडी की इम्यूनिटी को स्ट्रोंग रखने के लिए आपके पास क्या चीज़ है। तो इससे पता चलता है दोस्तों कि मैक्सिमम लोगों का भी ये पता चल गया है कि हमारी बॉडी में एक इम्यूनिटी नाम की चीज़ होती है जिसे स्ट्रोंग रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि WHO की रिपोर्ट्स देख लें, बड़े बड़े डॉक्टर्स की रिपोर्ट देख लें, उसमें साफ लिखा गया है कि जिनकी बॉडी की इम्यूनिटी पावर स्ट्रोंग है उन्हें जो है कोरोना वायरस जैसी जो है बीमारियां जो है वो कम लगती हैं या कम होती हैं। और खाली ये वायरस की बात नहीं, अगर हम कैंसर जैसी बड़ी बीमारी की भी बात करें तो वो भी उन्हें कम होने का चांस होता है जिनकी बॉडी की इम्यूनिटी पावर जो है स्ट्रोंग रहती है। दोस्तों, जानकर खुशी होती है कि लोग अपनी इम्यूनिटी के लिए इतना अवेयर हो रहे हैं, लेकिन एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब हमारे ऊपर प्रेशर आ जाता है किसी भी चीज़ का, तब हम अवेयर क्यों होते हैं? क्या हम पहले से अवेयर नहीं रह सकते? अगर हम 12 महीने अपनी बॉडी की इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग रखेंगे तो क्या उसमें हमारा कोई नुकसान है? दोस्तों, चाहे कोई छोटी बीमारी हो या कोई बड़ी बीमारी हो, वो सबसे पहले उस शरीर को पकड़ती है जिसकी इम्यूनिटी पावर जो है वीक रहती है। और इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए आपको कुछ बहुत अलग करने की ज़रूरत नहीं होती। अपने खाने पीने की चीज़ों में आपको कुछ ऐड करेंगे अगर आप थोड़ी बहुत चीज़ें, तो उसी से आप अपनी बॉडी की जो है इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं। तो अब उसमें आप क्या ऐड कर सकते हैं उसके बारे में मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ जो हाई विटामिन सी और हाई एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ आपकी बॉडी में देती हैं। इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए दोस्तों विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट का सबसे बड़ा रोल रहता है। और विटामिन सी एक ऐसा विटामिन है जो हमारी बॉडी में ज़्यादा टाइम तक नहीं रुकता है, तो टाइम टाइम पर बॉडी में विटामिन सी जाना बहुत ज़रूरी होता है। और एंटीऑक्सीडेंट जो है वो मैक्सिमम जो अपनी हम सब्जियाँ खाते हैं और फ्रूट्स खाते हैं, इन सभी में जो है पर्याप्त मात्रा में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट जो है अवेलेबल होता है। लेकिन सारी प्रॉब्लम कहाँ आती है कि जो सब्जियाँ फ्रूट्स हम आजकल लेते हैं उनमें विटामिन मिनरल्स के साथ में इतने केमिकल्स होते हैं, क्योंकि उन्हें इतना केमिकली ट्रीटेड करके आपके पास तक लाया जाता है। दोस्तों, विटामिन सी के कुछ नेचुरल सोर्सेज मैं आपको आज बता रहा हूँ जो अपनी डेली डाइट में आप ऐड कर सकते हैं, जिनसे आप अपनी बॉडी में पर्याप्त मात्रा में विटामिन सी दे सकते हैं और अपनी बॉडी की इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं। जिसमें सबसे ऊपर आता है आंवला। आंवले का आप चाहे जूस ले लें, आंवले का मुरब्बा ले लें, आंवले का पाउडर ले लें, किसी भी तरीके से आंवला अपनी डाइट में ऐड करें। इसके अलावा आप जो फ्रूट्स की बात करें, आपका संतरा, मौसम्बी, आपका ये आपका अनार, पाइनएप्पल या जितने भी खट्टे फ्रूट होते हैं, उन सभी में पर्याप्त मात्रा में विटामिन सी होता है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं आजकल, मैं एक चीज़ और देख रहा हूँ दोस्तों कि हम विटामिन सी के सप्लीमेंट्स ला रहे हैं अपने घर में जो है बॉडी की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, सप्लीमेंट्स के थ्रू अगर विटामिन सी आपकी बॉडी में ज़्यादा मात्रा में हो जाएगा तो वो आपको प्रॉब्लम कर सकता है, लेकिन नेचुरल सोर्सेज से विटामिन सी अगर आपकी बॉडी में ज़्यादा मात्रा में हो जाएगा तो वो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। इसलिए नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करें, अपनी डाइट में नेचुरल चीज़ें ऐड करें जो आपको पर्याप्त विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट दे। सुबह उठकर अपनी हैबिट बनाइए कि आपको कुछ एक एंटीऑक्सीडेंट अपनी बॉडी में डालना है, चाहे वो किसी आयुर्वेदिक जूस की फॉर्म में हो या किसी काढ़े की फॉर्म में हो, जो आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करेगा, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करेगा। जितनी चीज़ें हम खा रहे हैं उनका थोड़ा सा जो है ध्यान रखना है कि क्या चीज़ हमारे लिए सही है क्या नहीं है। और ये सही गलत के बारे में अगर आप कोई भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट में जो है हमसे पूछ सकते हैं, या हमारा नंबर आपको नीचे दिख रहा है इस पर आप हमें फ़ोन करके पूछ सकते हैं। कोई डाइट प्लान अगर आप अपने लिए बनवाना चाहते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको बना के देंगे, लेकिन हमारी आप सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों, ये जो आपकी प्रॉपर्टी है ना, ये शरीर आपकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है। अगर ये सही है तभी आप सब चीज़ों को एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपका शरीर सही नहीं है तो आपके पास कितनी प्रॉपर्टी, कितने पैसे, आप उसके कुछ फ़ायदे का नहीं है आपके लिए। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों, अपनी बॉडी की इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग रखें, अपने खाने पीने का ध्यान रखें, अपनी बॉडी को जो है पर्याप्त मात्रा में सारे विटामिन एंटीऑक्सीडेंट विटामिन सी वगैरह देते रहें और इस चीज़ का ध्यान रखें। टाइम टाइम पे अपनी बॉडी के टेस्ट कराते रहें जिससे आपको पता चलता रहे कि बॉडी के विटामिनल्स आपके पूरे हैं या किस चीज़ की कमी है, जिससे कि आप उस चीज़ पर ज़्यादा फोकस कर सकें। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इन्फॉर्मेशन आप लोगों को अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल पर आकर मेरी वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।